सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के बीच मेरी तैयारी हो रही है आज खेत जाने की, और मेरे साथ है हरीश भाई और मेरे हाथ में है पानी की बोतल। तो फिलहाल दीदी और तो जा रखी है, भाई और आने वाले पीछे, पापा और, तो आज जा रहे हैं हम अदरक निकालने, और वो भी थोड़ी देर निकाल लेंगे, उसके बाद वापस भी आना है घर पर, क्योंकि घर पर मेहमान और आने वाले हैं। और ये देखिए नीचे भाई साहब क्या कर रहे हो, ये वो क्या कर रहे सब, ये सब्जी निकाल रहे हैं भाई नीचे, और क्या यूट्यूब पे जाएगी ये बोलो तब जाए नो मुख नो डाल लेते तुझ। और ये भाई इनके बैल, जो भाई जी नीचे थे ना उनके बैल ले रहे यहाँ पे। फिलहाल तो भाई हम पहुंच चुके हैं अदरक वाले खेत में। आपने लास्ट टाइम देखा होगा ना कि जब हमने गोबर लाया था इसमें, फिर हमने हल हुल लगाया था उससे पहले मटर थे, तो ये वही वाला खेत है। आपने अगर वो ब्लॉग देखा हो तो इस वाले ब्लॉग को भी पूरा ही देखें। और मैं आ रखा हूँ भाई यहाँ पे पानी लाने, और क्या है, और मेरे लिए तो इतनी बड़ी वो दे रखी भाई साहब, इससे कैसे खोदूंगा मैं। और अब फटाफट से अदरक खोदते हैं, उसके बाद मिलते हैं भाई, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिलहाल भाई मैं घर पहुंच चुका हूं, और यहां पे बैलों को खाना पीना भी दे दिया थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़े लेट हुए ना, अभी खाना खुना खाना है तो थोड़े और लेट हो जाएंगे। और यहां पे देखा कि हमारा जो ये वाला बैल है ना, इसके पैर में थोड़ा सूजन सा आ रखा है, तो उसके लिए पापा को बोला है कि इंजेक्शन ले गया ना, लंगड़ा रहा ना ये, पता नहीं ये देखो हल्का सा उठा रहा है, ये देखो ये वाला पैर ना सूजन भी आ रखा, और देखा भी चेक करा उसमें चुभा हुआ भी कुछ नहीं है मतलब वैसे तो। तो चलो तब तक के लिए खाना खुना खाने के बाद मिलते हैं आपको। अब देखते हैं कहाँ जाना पड़ता है मुझे, वैसे मुझे पता नहीं कि कहाँ, हो सकता है मुझे डंगर चुगाने ही जाना पड़े, तो तब तक के लिए टाटा बाय। तो फिलहाल भाई खाना खुना खा के मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त के छानी पे, और यहाँ पे है भाई नींबू का पेड़। बचपन में ना मैं यही आया करता था, और मेरा दोस्त है जो अभी मेरे साथ है ना, उसका बड़ा भाई है, उससे मैं नींबू मांगा करता था खाने के लिए, उस टाइम मेरे छानी पे नहीं हुआ करते थे। और अब तो यहाँ पे मैं भी दिख भी नहीं रहे, दूसरे इस वाले पेड़ पे तो दिख रहे, और ये यहाँ पे केले का पेड़। और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना भाई, आप बोलोगे कुणाल भाई ये क्या है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, अभी देखना भाई क्या क्या सीन होने वाला है। पहली बात तो आप डर जाओगे, क्या कह रहा, क्यों ये कह रहा भाई मुझे ब्लॉग में मत निकालना। और ये है इसकी बकरियां, अब दिखाऊं आपको मस्त वाली चीज, ये है वो मस्त वाली चीज, छोटा सा बछड़ा, और अब देखना तुम ये देखो इसका ना ये नाक सही से बना नहीं है इधर से ना, सचिन इधर अनार। ये देखो इसकी नाक ना तिरछी है, और जो सांस लेने का छेद है ना वो भी मुंह के अंदर आने, इधर दिखा, ओए जरा रुक जा रुक जा, इरा अंदर है इसका ना एक छेद यहाँ पे अंदर ना, और एक इधर से देख, देख, हम देख। ये देखो इधर दिख रहा हल्का सा, अब मुझे तो ऐसा लग रहा कि अगर ये पानी पिएगा ना तो उस नाक से अंदर चला जाएगा है, कहाँ जाएगा क्यों शर्मा रहा ब्लॉग में आने से है क्या हो गया, दिक्कत है क्या कुछ? हाँ क्या दिक्कत है, चल खाना दे ना, पानी पुनी पिलाओ फिर निकलते हैं। वैसे मेरी ड्यूटी आज डंगर चुगाने की लग रखी है, और मेरे साथ है मेरा दोस्त नो प्लेयर नुबड़ा कहीं का है, नहीं तो नुबड़ा पेल रखा कल इनको टीडीएम में, यार झूठ कह रहा है ये साला, ओए पानी पिला यार जल्दी, पानी नहीं है, अरे उसके लिए गाय को, हाँ तो उन्हें जल्दी पिला फिर निकलते हैं। गाय के लिए भाई यहाँ पे पानी रखता है टंकी में स्टोर करके ना, और ये पिलाता है यहाँ पे बकरियों को और गाय को। क्या हो गया, दिक्कत है, दिक्कत है कुछ मेरे दोस्त को है।